Arrest him. There's some confusion, officer. Let me do my job. You're making a mistake, officer. The court will decide that. Please. बड़ी खबर, भारत के प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु अजनीश को अमेरिका की पुलिस ने अवैध धंधे, सेक्स रैकेट और ड्रग्स स्मगलिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है। हमारे भगवान निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो। You're finished, Mr. Gobman. बधाई हो, ललना हुआ है आपको। क्या देखो, ये लो। जी क्या, ये तू भी रख ले। आ जा। बधाई हो, नाना बन गए। तुम भी तो नानी बन गई। वाह वाह, तो बहुत ही खुश है। देखा हुआ है? हाँ हाँ, सबको खिलाएंगे मिठाई। बेटा हुआ ना? ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो लग रहा है कि सब बहुत खुश है। लीजिए लीजिए, मिठाई खाइए। सुनिए, बच्चा ना दूध पी रहा है ना रो रहा है, किसी वैद्य या हकीम को जाके बुला लाओ। क्या सोच रहे हैं? मैं अभी आता हूँ। हाँ जाइए। अलक निरंजन। प्रणाम साधु, मैं अभी आपको समय नहीं दे पाऊंगा, मुझे वैद्य के पास जाना है। मेरा नवजात नाती ना रो रहा है ना ही दूध पी रहा है। अलख निरंजन, ना वैद ना हकीम, ना चलेगा कोई प्रयास। अभी ये नहीं रोएगा बालक, है 3 दिन उपवास। अलख निरंजन, उपवास। उपवास? What is that?
I heard it's some kind of fasting. Welcome to hell, Mr. Godman. These guys are going to get your horoscope in your language. Abhi tumhara janam kundli dikhale ge hero. Are bura, tere saath to sabar ka pata hi nahi chala. Isiliye to aapke saath aata hoon. Haan? Kahan tak chalega mere saath? जहां तक आप जाएंगे मालिक। अच्छा, देखना एक दिन मैं ऊपर वाले के घर जाने वाला हूँ, वहां भी आपके सेवा में हाजिर हो जाऊंगा मालिक। धर्म पगले। जन्म पत्री में तो सब कुशल मंगल है ना? बच्चे की आयु नहीं है, अल्प आयु बालक है, मात्र 7 वर्ष तक जिएगा। आप ये बात सोच समझ कर कह रहे हैं ना? आप हमारी विद्या पर सवाल उठा रहे हैं हीरालाल जी? पंडित उमा शंकर की वाणी कभी खाली नहीं जाती। अब इस संकट से निकलने का कोई उपाय भी तो आप ही सुझाएंगे। ये संकट नहीं है, ये विधि का विधान है। ये क्या कर रहा है मेरा राजा? नानी, बीज बो रहा हूँ, इससे वृक्ष निकलेगा। नाना कहते हैं कि वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ये हमें फल देते हैं, छाया देते हैं और हमारी सांस भी। अच्छा। हाँ, जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो मैं भी इसे अपना मित्र बना लूंगा। अच्छा चल, अब चल के ये हाथ मुंह धो ले और भोजन कर ले। नहीं, मैं नाना के साथ ही भोजन करूंगा। नाना आ गए, नाना आ गए। अरे नाना जी, नाना जी, मेरे लिए काशी से क्या लाए? तुम्हारे लिए मेरी उम्र लाया हूँ राजा। राजा, तू जाके अंदर हाथ मुंह धो के कपड़े बदल ले, तेरे नाना थके हुए आए हैं, अभी थोड़ा आराम करेंगे। जा तू अंदर जा। ठीक है। क्या बात है, इतने दुखी और मायूस क्यों हो? जो बात मेरे कानों में शूल की तरह चुभ रही है वो बात तुम्हारा कोमल हृदय कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? ऐसी कौन सी विपदा आ गई जिसने आपको इतना विचलित कर दिया? काशी के बड़े आचार्य ने बोला है,
कि हमारे राजा की उम्र मात्र 7 साल है। आप जैसा पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति एक ज्योतिषी की बातों में आ गया। राजा हमारा नाती है, कुछ नहीं होगा उसे। आप चल के हाथ मुंह धो लीजिए और भोजन कर लीजिए। आपके इंतजार में राजा ने भी कुछ नहीं खाया है। बच्चे की आयु नहीं, आयु नहीं, अल्पायु अल्पायु मात्र 7 वर्ष तक जिएगा। आप हमारी विद्या पर सवाल उठा रहे हैं हीरालाल जी? हीरालाल जी, डकैत आया हुआ है। क्या डकैत? बड़ा मजा आएगा। अरे तुम सो जाओ। अरे तुम सो, मैं अभी आती हूँ देख के। आजकल चोरी डकैती अपहरण रोज का काम हो गया है। मुझे राजा की बड़ी चिंता होती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी चिंता का समाधान किए देती हूँ। ले भूरा, आज से तू राजा के साथ साई की तरह रहना। कोई उसकी तरफ आंख उठा के भी देखे सीधा गोली मार देना। जी मालकिन। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। ये क्या मरने मारने की बातें करने लगी? देख भूरा जी, गोली हवा में चलाना, हम लोग जैन हैं। जी माली। भूरा, जैन ये हैं, मैं नहीं। अगर तूने गोली नहीं मारी तो मैं तुझको गोली मार दूंगी। जी मालकिन, आप चिंता ना करें, मेरे रहते राजा बाबू को कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम। चल 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 चल, बहुत सही है। चल 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 चल, हाथ मार हाथ मार हाथ मार। या या या, पलट 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 पलट। या पलटी बार पलटी बार, पीछे पीछे पलटी बार। हे बाबू, तैरना सीखना है का? हम तुमको तैरना सिखा देंगे। इन सभी को तैरना हमने सिखाया है। और इन सबको क्या, पूरे गांव में जितने भी तैराक हैं, इन सबको मैंने ही सिखाया है। का ये पलटी बार पलटी बार। या क्या बात है, तुम कहो तो तुमको भी तैरना सिखा दूं क्या? मतलब आप मुझे सिखाओगे तो ही मुझे तैरना आएगा। तो क्या, अरे तुम मेरे सिखाए बिना नदी में 2 कदम आगे भी नहीं जा सकते, क्या समझे? अगर ये बच्चे तैर सकते हैं, गांव वाले तैर सकते हैं, तो मुझे लगता है मैं भी तैर सकता हूँ। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे सिखाए बिना तुम इस नदी में तैर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। अगर मैं डूबने भी लगूं, मैं कितनी बार चीकू चिल्लाऊं, तुम मुझे बचाने मत आना। पलटी मार पलटी मार पलटी मार पलटी मार। हाँ या।